आज हम जो बता रहे हैं वो नवमे नवरात्रे की कथा है। कल वो नवमा नवरात्रा होगा। नवमे नवरात्रि पर देवी माँ की नवमी तिथि पर उपासना का विशेष महत्व होता है। नवमी की तिथि को माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है। शंकर भगवान ने भी इनकी पूजा अर्चना की थी। सिद्धिदात्री माता की जो सेवा पूजा करते हैं, पौराणिक मान्यता के अनुसार माँ सिद्धिदात्री जो है वो बड़ी ही उनकी महिमा है और उनकी पूजा करने वाला जो है वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। बड़ी बड़ी रिद्धियाँ सिद्धियाँ उनको पसंद प्रदान कर सकती हैं। माँ को जामुनी और बैंगनी रंग अति प्रिय है। माता सिद्धदात्री की पूजा अर्चना करने से बल की, धन की, यश की, शत्रुओं के विनाश की ये सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए सिद्धदात्री देवी कल है और आज आप लोग अष्टमी का व्रत रहे होंगे, कल कन्या पूजन आप सब कीजिएगा। और कन्या पूजन करके मैं तो आप सबसे यही कहूँगा कि गौओं की सेवा भी आप कल कीजिएगा, जो ब्रज में हम लोग गौशाला के लिए तो जगह ले ही लिए, लेकिन वो जो तृण गौचारे के लिए जो जगह ले रहे हैं उसमें भी अपने कन्याओं के नाम से, परिवारजनों के नाम से देवी को पूजन करते हुए एक एक पग भूमि, तीन पग भूमि, दस पग भूमि जितने सामर्थ्य है करके कल इस नवरात्रि के पवित्र दिन को और भी पवित्र अपने जीवन के लिए, क्योंकि नवरात्रों में किया हुआ दान पुण्य हम सभी के लिए मंगलकारी होता है और हजारों गुना उसका फल मिलता है। और जब माता रानी देखती है कि मेरे बच्चे मेरे पवित्र दिनों में भी सत्कर्म कर रहे हैं तो माता रानी फिर उसका कई गुना हमको वापस भी देती है। तो आप सभी प्यार से कल माता रानी की सेवा करें, कन्याओं का पूजन करें। राधे राधे।